हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान में जो फली होती है मोठ की फली, उसकी एकदम नई रेसिपी। और साथ में इसमें आलू और ऐसे कुछ डालकर इसे इतना टेस्टी बनाएंगे ना कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलिए ये राजस्थानी डिश फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। मोठ की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने फली ली है वो कच्ची कच्ची ली है, और इसका आगे वाला और पीछे वाला डंटल अपन कट कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, और इतनी मेहनत मैं नहीं करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इन्हें इक्वल करती हूँ, बंच बनाती हूँ और इन्हें बराबर करेंगे इकट्ठा करके। और ये जो लास्ट वाला है बच जाता है तो इन्हें बराबर हो जाएंगे सारे ये इसके, और एक अपन ये जो आगे वाला है वो छोर इसमें से कट कर देंगे ये वेस्ट पार्ट, और फिर ऐसे कट कर लेंगे। ये आपको आगे और पीछे दोनों से ही कट करना है ऐसे, और ऐसे करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो फली कट कर ली है सारी, और ऐड करेंगे इसमें ये टमाटर। टमाटर को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और आलू। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप दही भी ले सकते हो, अगर दही ना हो आपके पास और टमाटर भी ना हो तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर ले सकते हो। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें तेल डालेंगे 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें ऑयल ज्यादा लगेगा इस रेसिपी में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 3 टेबल स्पून अपन यहाँ पर ऑयल लेंगे। और ये देखिए बातों बातों में गर्म हो गया होगा, कढ़ाई में लेते हैं ना तो तेल गर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, और ऐसे बर्तन में लेते हैं तो तेल बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और ये रेसिपी भी फटाफट बन जाती है। और अब इसमें प्याज डालेंगे और इन्हें सुनहरा होने तक पकाएंगे। अपने प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अब इसमें अपन ऐड करेंगे जो अपनी ये सारी मोठ की फली कटी है वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे इसको। एक बात आपको ध्यान में रखना है, इसे हल्का सा पहले फ्राई करेंगे, तब उसके बाद ही अपन रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ये सब कुछ ऐड करना है, और कुछ भी ऐड नहीं करना। पहले हल्का सा इसको फ्राई करेंगे इसमें, ये जो ऑयल है ना जिसमें अपन ने प्याज फ्राई किए हैं उसी में। नहीं, ये जैसे ही फ्राई होगी इसमें अपन हाफ फ्राई हुई और अपन ऐड कर देंगे ये आलू इसमें, और अब इन दोनों को मिक्स करके आलू को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी में। ये आलू भी हाफ से ज्यादा फ्राई हो चुके हैं, और इसमें अब ऐड करेंगे अपन टमाटर। जिस तरीके से मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। आप चाहो तो बाद में आलू को पहले उबाल भी सकते हो और फिर ऐड कर सकते हो सबसे लास्ट में। और अब इसमें अपन मसाले ऐड करेंगे, 2 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून ही अपन ऐड करेंगे ये टर्मरिक पाउडर, क्योंकि टीस्पून क्यों दो ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी वाली चम्मच है। अगर आपके पास बड़ी वाली चम्मच है तो आपको मेजरमेंट लेना है 1 चम्मच के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पर नमक जो मैं ऐड कर रही हूँ वो 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर नमक मैं 1 चम्मच ही ऐड कर रही हूँ। और ये सारा मसाला डालकर अब इसमें अपन पानी डालकर और इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और इन्हें पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है क्योंकि अपन ऑयल में ही ये सारी चीजें फ्राई कर रहे थे, और थोड़ा सा टमाटर का भी पानी हो जाएगा, और थोड़ा सा ये ऐसे एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो ये रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर ये जलेगा भी नहीं, और थोड़ा सा पानी डालने से ये टेस्टी भी लगेगी। और ये सारा मसाले आलू जब पक जाए तब अपन लहसुन डालेंगे, और लहसुन को भी 1 मिनट के लिए अपन पकाएंगे क्योंकि हल्की सी ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा टेस्ट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी, और ये देखिए गाढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ी है, ये ऐसी ही टेस्टी लगती है, परांठे वगैरह के साथ खाते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ये राजस्थान वाली मूंग मोठ की सब्जी। मेरे मुंह में जैसे पानी आ रहा है आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितनी ज्यादा टेस्टी लगती है, और परांठे के साथ तो मजा आ जाएगा आपको और आपकी फैमिली को जब परांठे के साथ ये सब्जी खाओगे ये सूखी सूखी सी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।